इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, मुंबई में रात 2:30 बजे पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। मुंबई के ड्रैगन फ्लाई क्लब पर पुलिस की रेड। रेड के वक्त आपको बता दें, सुरेश रैना, सुजैन खान भी वहां मौजूद थे। मशहूर रैपर बादशाह भी क्लब में मौजूद थे। ये पुलिस के सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। 34 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। गुरु रंधावा भी क्लब में मौजूद थे। और डिटेल्स ले लेते हैं, अंकुर त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अंकुर, क्या डिटेल्स हैं, ये जो रेड मारी गई है, कौन कौन लोग वहां पर पकड़े गए? देखिए, रेड जो हुई है रात को 3 बजे के करीब हुई है। सहार एयरपोर्ट जो है वहाँ पर ये क्लब है ड्रैगन फ्लाई नाम का, और वहाँ पर रात के 3 बजे तक पार्टी हो रही थी। जो पुलिस के सोर्सेज हैं उनको काफ़ी दिनों से इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि ये पूरा पूरी रात खुला रहता है। तकरीबन सुबह 5 बजे तक यहाँ पर पार्टियाँ होती रहती हैं, वो भी उस दौर में जब एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है। और नॉर्मल कंडीशन में भी अगर आप जाएंगे, अगर मुंबई में जब एपिडेमिक एक्ट नहीं लगा हुआ हो तो भी 1 बजे से ज़्यादा की परमिशन नहीं होती है। और फिलहाल एपिडेमिक एक्ट 1897 इस वक्त पूरे शहर पे लगा हुआ है, और उसमें सुबह रात को 3 बजे तक यहाँ पार्टियां हो रही थी। और सबसे बड़ी बात ये थी, सिर्फ एलीट क्राउड नहीं था, सेलिब्रिटी क्राउड भी इसके अंदर शामिल था। उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं वो सुरेश रैना का है, क्रिकेटर हैं। इसके अलावा सुजैन खान एक्टर्स, एक एक्टर हैं, उनकी वाइफ हैं ये। और इसके अलावा गुरु रंधावा अपने आप में मशहूर सिंगर हैं, और बादशाह का नाम भी सामने आ रहा है, बादशाह रैपर। हालांकि ये बताया जा रहा है कि बादशाह जो थे वो पीछे वाला गेट लेकर भागने में निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इनके खिलाफ IPC सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई करी है। 188 का सेक्शन तब लगाया जाता है जब आप एपिडेमिक एक्ट के 1897 लगा हुआ हो और आप रूल्स को वायलेट कर रहे हों, तब जाकर IPC का सेक्शन 188 लगता है। जी अंकुर, और ये कितनी गैदरिंग थी वहां पर, ये जो बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम तो आपने लिए ही, और जैसा बता रहे हैं कि 1 बजे के बाद तो वैसे भी नहीं होता है, और अब जब एपिडेमिक एक्ट वहां पर लगा हुआ है, तो ये इतनी ज्यादा वहां पर तादाद में लोग कैसे मौजूद थे? और अब तो नाइट कर्फ्यू भी आज से वहां पर शुरू हो जाएगा अंकुर। टोटल 34 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ मुंबई पुलिस है, उसने अपनी कार्रवाई करी है। 34 लोगों के अलावा भी कुछ लोग थे जो पीछे के गेट से निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन जो कार्रवाई हुई है वो 34 को लेकर हुई है। पुलिस का ये मानना है कि ये आज के ये पहला दिन नहीं था, लगातार इस क्लब को लेकर शिकायत आ रही है। हमारे हाथ में 2 साल पुराना एक वीडियो भी लगा है जिसमें बादशाह इस बात को एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो ये ड्रैगन फ्लाई जो क्लब है वो उसको उसमें वो उनका वेंचर है, बिजनेस वेंचर है। हालांकि अभी वो इसके अंदर हिस्सेदार हैं या नहीं इस बात को कंफर्म करना भी बाकी है, लेकिन 2 साल पुराना वीडियो जरूर हमारे पास है जी। इसके तो मुंबई के ड्रैगन फ्लाई क्लब पर ये पुलिस की रेड, 34 लोगों के खिलाफ ये मामला वहां पर दर्ज हुआ है सेक्शन 188 के तहत। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।